सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा सब कुछ सीख भी रहे होंगे आप ऑन पैसिव के लिए। ऑन पैसिव में आकर के आपको कैसा लग रहा है, कैसा जबरदस्त महसूस हो रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके आप एक बार बता दीजिए, जरूर बताइए कमेंट करके। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो पोजीशन है ना, वो बहुत 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 ज्यादा यूनिक पोजीशन है। और मैं यूं कहूं कि आप अपने इलाके के चीफ गेस्ट हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने तरीके से काम करते हैं अपने अपने इलाके के अंदर। कोई किसी तरीके से काम करता है, कोई किसी तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जो कि निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जिसके पीछे कोई भी मतलब नहीं होता है। और ऑन पैसिव में हम सब लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल इस तरीके की बना दी है कि हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब के बहुत सारे लोगों की हम यहाँ पे मदद करेंगे। और आपको बताया कि जब किसी इलाके के अंदर, जब किसी शहर के अंदर, जब किसी टाउन के अंदर, जब किसी टाउन एरिया के अंदर जब इलेक्शन के बोर्ड पड़ते हैं, जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, तो उससे 6 महीने पहले वो कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, सबको पता है, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हाँ सर, क्या काम है आपके लिए, आप मेरे पास आइए, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा, आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं होगी। जब वोट मांगने जाते हैं तो आप देखिए आपके पैर भी छुएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन ये तो होती है अपने मतलब वाली बातें, लेकिन जब उनको वोट देने के बाद अगर वो जीत भी जाते हैं तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, सब लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पुराने चीजों को याद रखते हैं कि हमने किस किस तरीके से लोगों से बातचीत की थी। तो ये जो चीज होती है ना, यही इंसान को सबसे बेहतर बनाती है, जो कि बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के जो है लोगों से मिलना जुलना और एक दूसरे की मदद करना जो लोग करते हैं, यही चीज जो होती है वो अपने एरिया के अंदर उस व्यक्ति को यूनिक बनाती है। और आने वाले टाइम के अंदर जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के अंदर, ये गारंटी की बात है कि निस्वार्थ भाव से सारे काम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 आईडी, किसी ने किसी काम के लिए आईडी ले रखी है, किसी ने किसी काम के लिए आईडी ले रखी है कि ये आईडी मैं लेडीजों की या लड़कियों की शादियों में जो है खर्च करूंगा, ये वाला पैसा मैं इस टाइप से गरीबों को दान करूंगा, मैं इस टाइप से अनाथालय में दूंगा, मैं इस आईडी से जो है ये करूंगा, मैं इस आईडी से वो करूंगा। बहुत बहुत सारे जो है लोगों ने अपनी मेंटेलिटी को जो है बना के रखा हुआ है। लेकिन जिसके पास एक ही आईडी है उसने क्या किया, उसकी भी बहुत सारी योजनाएं बन चुकी हैं। मेरे पास तो एक ही आईडी है लेकिन मेरी भी बहुत सारी योजनाएं बन चुकी हैं, जब यहाँ पे इनकम आएगी तब देखेंगे। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, आप अपने इलाके के चीफ गेस्ट क्यों हैं? क्योंकि आप अपने इलाके में जो भी काम करने वाले हैं ना, वो बिना मतलब के करेंगे, उसके पीछे कोई मतलब नहीं होगा। आप किसी भी हेल्प करना चाहेंगे आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, किसी की शादी हो रही है, आपको किसी को कुछ देना भी है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम और मनी, इन दोनों की फ्रीडम होगी। जब टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होती है तो फिर खर्च करने में या किसी को भी सही तरीके से पैसा यूज करने में बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना कि उस पैसे को जो है गलत तरीके से यूज नहीं करना है, यानी गलत काम में यूज नहीं करना है, जिसको वाकई में जरूरत है उसको आप यूज करते जाइए। फिर देखिए कि उनकी नजरों में फिर आपकी इज्जत कितनी बढ़ेगी। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों के बीच में जब आपकी एक पहचान बनेगी, अपने एरिया के अंदर एक पहचान बनेगी, एक आप फेमस हो जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपका मान सम्मान इज्जत करेंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर किसी ने कोई उद्घाटन भी किया कोई भी काम का, किसी ने गृह प्रवेश किया तो आपको वो जरूर बुलाएंगे, किसी ने दुकान खोली तो आपको जरूर बुलाएंगे, किसी ने कोई भी अगर मैरिज होम का उद्घाटन करना तो वो आपको जरूर बुलाएंगे, किसी लड़की की शादी हो रही है, लड़के की शादी हो रही है तो आपको वो जरूर इनवाइट करेंगे, या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है तो वो आपको जरूर इनवाइट करेंगे। कहीं पर भी अगर कोई भी छोटा मोटा मुश्किल भी आ जाती है तब भी वो आपको याद करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने इलाके के बहुत ज्यादा चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। और एक चीज और भी कही जाती है, ध्यान रखना कि व्यक्ति अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। जी हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप अपने काम से जाने जाओगे, ना कि नाम से। आपके नाम के तो बहुत सारे होंगे इधर उधर, आपके नाम का हो सकता है कि आपका नाम सचिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सचिन तेंदुलकर हैं, क्योंकि वही अगर आप गूगल में डालेंगे ना सचिन, तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का ही फोटो निकलेगा, आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाना जाता है। तो हम ऑन पैसिव के अंदर अगर वास्तव में जो हमारे एस मुफारिसन ने बोला है कि आप अपने इलाके के बहुत बड़े फेमस व्यक्ति बनने वाले हैं, एक चीफ गेस्ट बनने वाले हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी यहाँ से, तो इसके लिए हमें उस टाइप के काम भी करने पड़ेंगे, उस टाइप के हमें लोगों से मिलना जुलना, फालतू लोगों से मिलना जुलना पूरी तरीके से आप बंद कर देना।
जो भी आपकी टांग पकड़ के खींचते थे आप उनके नाम भी डायरी में लिख लेना और फिर उनको उसी तरीके से ही हमें जवाब देना है। वो एक बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी काम करेंगे हम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, दौलत भी होगी, शौहरत भी होगी, नाम भी होगा और हम काम भी सही तरीके से करेंगे। तो आप इस तरीके से आप यूं समझिए कि आप अपने इलाके के चीफ गेस्ट से कम नहीं होने वाले हैं। बहुत सारे, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन आप अपने इलाके के एक बहुत बड़े माने गिराने चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। आपके शहर के अंदर जो भी सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति होगा उससे भी ज्यादा फेमस आप होने वाले हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखें आप बहुत, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है इस ऑन पैसिव के अंदर। जिसने ज्यादा पेशेंस रख लिया उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जिसने पेशेंस खो दिया उसकी वैल्यू उतनी ही यहाँ पे कम हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ऑन पैसिव, क्योंकि पेशेंस का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो हम धैर्य रख रहे हैं वो किसके लिए रख रहे हैं, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से हम जो काम कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो चारों तरफ से 360 डिग्री, यानी कि हर एक तरफ से आपको मिलने वाली है, पैसे से भी, दौलत से भी, शौहरत से भी, मान सम्मान, इज्जत, हर चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जब फिजिकल प्रोग्राम होंगे फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। उस फिजिकल प्रोग्राम के अंदर जब आपको एज ए नाम देकर के अनाउंसमेंट किया जाएगा, है ना, तो आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, बहुत सारे लोग आपसे फूल मालाएं पहनाएंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो बस यही चीज जो है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप अपने इलाके के चीफ गेस्ट हैं और व्यक्ति नाम से नहीं काम से जाना जाता है। अगर आप मुझे जानते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑन पैसिव के अंदर मैं प्राउड फाउंडर हूँ, तो इसलिए आप मुझे जानते हैं कि यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं लेकिन मैं हर किसी को नहीं जानता। एक ये भी चीज होती है, जब आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोगों के बीच में आपका चेहरा पहुंचता है, लोगों के बीच में आपका नाम पहुंचता है, तो बहुत सारे लोग आपको तो जानते हैं लेकिन आप हर किसी को नहीं जानते हैं। अमिताभ बच्चन को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है लेकिन पूरे हिंदुस्तान को अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। ओके, तो यू आर अ चीफ गेस्ट इन योर एरिया, इस बात को ध्यान रखें। सो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें और अपनी वैल्यू को मेंटेन भी करके रखें और अपने बिहेवियर को भी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर इन इट टू विन इट। अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।